दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला कुछ ही समय बाद खेला जाएगा और चौथे टी20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों खबर को जानेंगे, उससे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया 2 मुकाबले जीत के इस सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। और जो चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, इसमें यदि वेस्ट इंडीज की टीम ये मुकाबला हार जाती है तो सीरीज गंवा देगी और टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर लेगी। और दोस्तों जो भारतीय टीम को लेकर खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, वो खुशखबरी है रोहित शर्मा को लेकर। दोस्तों आपको पता होगा, तीसरे टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा इंजरी की वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि चौथे टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा शायद खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक बार फिर से BCCI ने ऐलान कर दिया है कि रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट हैं और चौथे मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।